गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम EVS का चैप्टर 5 एनिमल्स करेंगे। फर्स्ट पेज में बेटे देखो, यहाँ पे ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, देन फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स। बेटे आपने ये जो डॉट्स वगैरह हैं जो मैम ने 15 के बाद ज्वाइन करी हैं, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपने बेटे 42 तक ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? स्क्विल। और उसको आपने नीचे स्क्विल के स्पेलिंग लिखने हैं, SQUIRRL, स्क्विल। उसके बाद बेटे ये किसकी पिक्चर है? एलिफेंट की। एलिफेंट के भी जो ये डॉट्स है ना बेटे, ये देखो इधर मैम ने ज्वाइन करे हुए 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसके बाद आप ये सारे डॉट्स को ज्वाइन करके यहाँ तक लेके जाओगे 51 तक। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटे? एलिफेंट। तो आपने यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखने हैं एलिफेंट के, ELELPHANT, फेंट, एलिफेंट। फिर आपने बेटे इस दोनों एनिमल्स में सुंदर सुंदर कलर्स करने हैं। देन कम टू नेक्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ एनिमल्स। बिग एनिमल्स, बेटे कई एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बिग होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट, हाथी, राइनोसोरस, जिराफ एंड बियर आर एग्जांपल्स ऑफ बिग एनिमल्स। बेटे यहाँ पे देखो एलिफेंट ये है, बिग एनिमल है। राइनोसोरस ये कौन सा एनिमल है? जिसको गेंडा बोलते हैं हिंदी में, ये भी क्या है? बिग एनिमल होता है। और जो देखो बेटे ये जिराफ है, ये कितना टॉल होता है, इसको भी हम बिग एनिमल्स में लेते हैं। ठीक है बेटे, आगे चलो। स्मॉल एनिमल्स, रैबिट, माउस, कैट एंड डॉग, ये बेटे सब आपने देखे हुए हैं ना एनिमल्स। रैबिट, माउस, कैट, इनको क्या बोलते हैं बेटे? स्मॉल एनिमल्स में आते हैं। देयर आर आल्सो सम अदर टाइप of small animals like insects and bird। बेटे जो insects और birds होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, come to birds। birds have two legs to walk। बेटे जो birds होते हैं ना उनकी कितनी legs होती हैं? two legs होती हैं। देखो आपको दिखाई दे रही है ना two legs, and two wings to fly, और उड़ने के लिए उनके क्या होते हैं? पंख होते हैं बेटे। birds do not have teeth, जैसे animals, बाकी animals के teeth होते हैं और human beings के teeth होते हैं, birds के teeth नहीं होते। birds के क्या होते हैं? they use their beaks to eat, वो क्या use करते हैं? चोंच। इस beaks को क्या बोलते हैं? चोंच। ये आपको दिखाई दे रही है ना बेटे, ये animal birds हैं, इनकी चोंच होती है। Some birds are heavy and therefore can't fly, बट ये जो नीचे आपको birds दिखाई है ना, ये sky में fly नहीं कर सकते। For example, emu ये sky में fly नहीं कर सकता। Penguin और ये ostrich, ये थोड़े heavy birds होते हैं जो ज़मीन पर नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं। Next page, birds like crow, parrot and pigeon can fly, बेटे कौन कौन से birds होते हैं जो fly करते हैं? Crow जिसको हम कोआ बोलते हैं हिंदी में, parrot जिसको कौन से color का होता है? parrot green color का, ये क्या होता है? तोता। और pigeon जिसको हम बोलते हैं कबूतर, ये बेटे sky में fly करते हैं। ठीक है बेटा, next, some birds like डक, बेटे एक डक होती है, स्वैन एंड पेलिकन, ये बेटे पानी में होते हैं, स्वैन और ये पेलिकन ये बर्ड्स के नेम हैं जो क्या करते हैं बेटे? पानी में स्विम करते हैं, तैरते हैं। उसके बाद आ जाएंगे इंसेक्ट्स पे। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विद सिक्स लेग्स, बेटे जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं ना उसकी कितनी लेग्स होती हैं? सिक्स लेग्स होती हैं। ये ग्रास ऊपर ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा होगा ये, जैसे ये लीफ के ऊपर बैठा हुआ है
और ये हाउस फ्लाई जिसको हम मक्खी बोलते हैं, और ये बटरफ्लाई जिसको तितली बोलते हैं, और मस्किटो, इनके विंग्स होते हैं, ठीक है। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, बेटे इनके विंग्स होते हैं और ये फ्लाई करते हैं। सम इंसेक्ट लाइक एंट्स डू नॉट हैव विंग्स, बेटे जो ये एंट होती है, जो उसको हम कीड़ी बोलते हैं, ये छोटी होती है इंसेक्ट, पर ये ज़मीन पर ही ट्रॉल करती है, ये फ्लाई नहीं करती। इधर देखो बेटा, अब आपने, हाँ जी बेटे, अब आप नीचे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट, इस इन चारों में से इंसेक्ट कौन सा है, ये देखो ऊपर मस्किटो, ये इंसेक्ट है, ये क्रो जो पीछे पेज पे पेंगुइन और स्पैरो, ये क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो मस्किटो पे टिक करेंगे। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन स्विम, इसमें से कौन सा बर्ड है जो स्विम कर सकता है, ए ऑप्शन पैरट, बी डक, सी पिजन और क्रो। ये देखो मैंने आपको बताया था ये डक है, ये स्विम करती है, तो इसके बी ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। कम टू नेक्स्ट पेज बेटा, वेयर डू एनिमल्स लिव, एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक लैंड वाटर एंड ट्रीज, बेटे आपको पता है जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे ज़मीन पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं जो ट्रीज पर भी रहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इधर, हॉर्स डियर गोट डोंकी काउ कैमल एलिफेंट एंड बियर आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ये सारे एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं बेटे, लैंड पे, ज़मीन पे रहते हैं, डियर गोट एंड कैमल। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट लिव इन वाटर स्विम विद देयर फिन्स एंड टेल, जो एनिमल्स बेटे पानी में रहते हैं वो अपने फिन्स के साथ, ये जो इनके साइड्स पे बने हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं, अपने फिन्स के साथ क्या करते हैं, तैरते हैं पानी में, और अपनी टेल को भी यूज़ करते हैं। डॉल्फिन फिश एंड टर्टल आर सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, बेटे देखो आपको यहाँ पे डॉल्फिन दिखाई हुई है ना, ये भी फिश होती है, ये भी वाटर में स्विम करती है, और ये सिंपल फिश है, और ये क्या है, टर्टल है जो पानी में रहता है, ठीक है। मंकी स्क्विल एंड आउल आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, मंकी, ये स्क्विल है जिसकी पिक्चर आपने फर्स्ट पेज पे बनाई है बेटे, और ये क्या है, आउल है, ये तीनों बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। नेक्स्ट पेज बेटा, फ्रॉग क्रोकोडाइल एंड सेलमेंडर आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, बेटा ये जो एनिमल्स होते हैं, ये फ्रॉग जिसको हम मेंढक बोलते हैं, क्रोकोडाइल जिसको हम मगरमच्छ बोलते हैं, और एक चीज सेलमेंडर होता है, ये भी जो होते हैं, ये दो तीनों एनिमल्स वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बेटे अभी हमने ये नहीं करने, अब नीचे आ जाओ, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, बेटे ये देखो ये एनिमल्स हैं, काउ, काउ के बेबी को क्या बोलते हैं, काफ, सी ए एल एफ, काफ, ये बेटे लॉयन है, लॉयन के बेबी को क्या बोलते हैं, सी यू बी क, ये बेटे कौन सा एनिमल है, डियर, और डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, फॉन, एफ ए डब्ल्यू एन, फॉन, ये बेटे क्या है, डॉग, और डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पप, या जिसको हम पपी बोल देते हैं बेटे, ठीक है। नाउ बेटा कम टू द लास्ट पेज, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन, डक के बेबी को क्या बोलते हैं, डकलिंग, डोंकी के बेबी को क्या बोलते हैं बेटे, फोल, एफ ओ ए एल, फोल, और क्रो के बेबी को क्या बोलते हैं बेटे, चिक बोलते हैं, सी एच आई सी
के चिक। स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर आपके पेरेंट्स की हेल्प से अच्छे से दो बार रीड करना है और इसको समझना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।